हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर कोरोना से ही जुड़ी हुई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुणे के इंजीनियर्स ने एक ऐसी खोज की है जो लोगों की जान बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। जी हाँ, और इस खोज की पूरी दुनिया में तारीफ भी हो रही है, खासतौर पर अमेरिका में। ये एक ऐसी खोज है जिसका लोहा दुनिया मान रही है। देखिए एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पुणे में मौजूद 8000 वर्ग फुट की इस प्रयोगशाला में कुछ होनहार नौजवान एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश में जुटे हैं जो कोरोना के खिलाफ युद्ध में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये मशीन 50,000 रुपए की कीमत वाला दुनिया का सबसे सस्ता वेंटिलेटर। हम लोगों का जो ये वेंटिलेटर है, इसमें हमने वो सारे मोड्स ही दिए हैं जिन मोड्स की एक्चुअल में कोरोना पेशेंट्स या लंग से डिसीज होने पे रिक्वायरमेंट्स हैं। हम लोगों ने इसमें सारे फीचर्स देने पे अभी टाइम नहीं, बिकॉज अभी अगर आप देखेंगे तो टाइम बहुत कम है जिसमें हमें ये डेवलप करना और इसमें प्रोडक्शन के लिए भी लेके जाना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि हम वो सारे मोड्स को ही दें जो मोड्स हमारे कोरोना के पेशेंट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। पुणे की स्टार्टअप कंपनी नोका रोबोटिक्स के इन इंजीनियर ने खास तौर पर कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए इस वेंटिलेटर से 3 प्रोटोटाइप को तैयार कर सरकारी मंजूरी के लिए भेजा है। हम लोगों का चैलेंज ये है कि हम डॉक्टर्स को भी कैसे प्रोटेक्ट कर सके, तो हम लोग इसको मोबाइल कंट्रोल्ड बना रहे हैं जिसमें सेंट्रल एक हम मोबाइल एप्लीकेशन डॉक्टर्स को देंगे जिसमें वो हर एक मरीज की पैरामीटर्स चेक कर सकता है और उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर सकता है। क्योंकि इसमें आपको पेशेंट से दूर रहना भी बहुत जरूरी है, तो वो डॉक्टर्स के हम लोगों ने काफी सारे हॉस्पिटल्स में जाके उनकी एक्चुअल जो दिक्कतें हैं उनको समझा, फिर उसके बेस पे हम लोगों ने इसको कंसेप्चुलाइज किया। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट का कॉस्ट कम किया है हमने, उसका दो वजह है। एक तो हमने डेफिनेटली इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से भी कम किया, और दूसरा हम लोगों ने जो भी पैरामीटर्स जो भी फीचर्स जिनकी जरूरत नहीं है अभी की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, हमने उन पे काम ही नहीं किया। कोरोना के लिए वेंटिलेटर बनाने के नोका रोबोटिक्स के इस प्रोजेक्ट से IIT समेत दुनिया भर के बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक जुड़े हैं जो जरूरी सुझाव दे रहे हैं। गूगल के सुंदर पिचाई ने भी इन युवा इंजीनियर से बात कर वेंटिलेटर के मास प्रोडक्शन पर जरूरी सुझाव दिए हैं। यही नहीं, अमेरिका के द ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ने भी ट्वीट कर इन युवा वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की है। हम इन भारतीय इंजीनियरों की तारीफ करते हैं क्योंकि ये कम लागत वाले वेंटिलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो COVID-19 के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमें उम्मीद है कि ये आविष्कार सफल होगा और अंततः बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सकेगा। अभी हम नेक्स्ट वीक में हमारा जो माइलस्टोन है जो हमें अचीव करना है, नेक्स्ट वीक में हमें क्लिनिकल ट्रायल के लिए रेडी होना है। तो हम ऑलरेडी वेंडर्स के साथ बातचीत कर चुके हैं, हमारा 10 से 20 पीसेस का हमारा डेवलपमेंट चल रहा है। ये जब हमारे 10-20 पीसेस डेवलप हो जाएंगे, इनको हम डिफरेंट आर्टिफिशियल लंग सिमुलेटर्स होते हैं कुछ, जिन पे हम ले जाके अपनी मशीन को टेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज आप फर्स्ट डे में आप ले जाके किसी पेशेंट पे टेस्ट नहीं कर सकते, आपको फिर मशीन पे टेस्ट करने के बाद देन यू गो फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये हमारा प्रोसेस है कि बाय 10th of April वी हैव टू बी रेडी विथ जो हमारे वेंटिलेटर्स होंगे फॉर द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फॉर द रेगुलेटरी ट्रायल्स। नोका रोबोटिक्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और एरोस्पेस इंजीनियर काम करते हैं। इनकी औसत उम्र केवल 26 साल है। महज 2 साल पुरानी ये कंपनी बिना पानी के सोलर पैनल साफ करने के रोबोट्स बनाकर दुनिया भर में नाम कमा चुकी है और ये एक और कारनामा करने के करीब है। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहां है खबरें काम की और कहानियां कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज़ पर।